वेलकम टू द ब्लॉग गाइज, ड्राइवर्स ने आपका वेलकम है। तो आज मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर बोल्ट का। मैंने आपको कहा था कि मेरा बोल्ट का जो है एयरपोर्ट्स ख़राब हो चुका है। ठीक गाइस, ये एयरपोर्ट से लेकिन ख़राब हो चुका, और क्या बोलूँ मैं, इसको मैं निकाल देता हूँ तब पॉट्स को इसके अंदर से, तब भी इसका लाइट जो है जलता है। ये देखिए गाइस, मैंने पॉट्स निकाल दिया है, खाली पॉट्स है, पॉट्स मेरे हाथ में है लेकिन खाली बॉक्स भी जल रहा है इसका बत्ती, और चार्ज भी नहीं हो रहा है। और ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट मैंने पहली बार ख़रीदा और पहली बार ख़राब हुआ है, ये प्रोडक्ट ये मैंने 12 अप्रैल को मंगाया था, और आज का दिन ये प्रोडक्ट मैंने 12 अप्रैल को मंगाया था 2022 को, मतलब अभी एक साल भी नहीं हुआ, और एक साल के अंदर आपको पता है ये 3 बार रिप्लेस होने जा रहा है। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने दिया था उस टाइम को सर्विस सेंटर में, तो रिप्लेस करके मुझे मिला, उस टाइम एक कान का साउंड ख़त्म हो गया था। सेकंड टाइम फिर चार्ज नहीं ले रहा था, तब फिर रिप्लेस करके मिला, और अब देखिए थर्ड टाइम प्रॉब्लम दे रहा है काफ़ी दिन से। मुझे टाइम नहीं मिल रहा तो मैं सर्विस सेंटर नहीं जा रहा था, बट काफ़ी पहले ही ख़राब हो चुका है। तो गाइस ये बहुत ही, मतलब क्या बोलते हैं, इंसान को परेशान करने वाला प्रोडक्ट है एकदम। मतलब इंसान प्रोडक्ट लेता है ताकि यूज़ करे तो अच्छा लगे, बट ये बोल्ट कंपनी जो है इंसान को पूरा एकदम अंदर से एकदम परेशान कर देता है, समझ लीजिए। ये तीसरा बार, और जब भी आप सर्विस सेंटर में देने जाओ तो 15 दिन तक आपका प्रोडक्ट को रख लिया जाता है, तो आप समझ लीजिए एक साल में पन्ना करके 3 बार, तो मतलब 1.5 महीना, तो 12 महीने में 1.5 महीना तो मेरा पॉट सर्विस सेंटर में ही पड़ा रहा, ठीक है। और उस पर से भी जब मेरा सेकंड टाइम जब मुझे रिप्लेस करके मिला तो मुझे डाउनग्रेड करके दिया गया, ठीक है। मेरा था बोल्ट का एयरपोर्ट एक्सपोर्ट प्रो, बट मुझे सिर्फ एक्सपोर्ट दिया गया। देखिए गाइस, तो मैंने सर्विस सेंटर वाले को क्लेम करा कि ये क्या आपने डाउनग्रेड करके दे दिया, तो बोले ठीक है सर ये गलती हो गया तो आप दोबारा दे दीजिए। तो देखिए एक्सपोर्ट ब्लैक देखिए है ना, तो ये दिया गया, तो सर दोबारा, तो मैंने कहा कि ये क्या आपने मुझे डाउनग्रेड करके दे दिया। उन्होंने कहा ठीक है सर, तो आप इसको रख के जाइए, तो फिर 15 दिन में हम रिप्लेस करके दे देते हैं। तो मैंने कहा भैया 15 दिन था, फिर 15 दिन और रहेगा, मतलब क्या ही सर्विस चल रहा है। तो मुझे साउंड एयरपोर्ट्स की ज़रूरत है, तो मैंने कहा ठीक है चलो डाउनग्रेड हुआ है कोई बात नहीं, ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं है, ले लेता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि अगर ख़राब हुआ तो फिर बनेगा, तो बोले हाँ हाँ हो जाएगा रिप्लेस फिर से अगर ख़राब हुआ तो। तो देखिएगा इस, फिर कुछ दिन भी नहीं चला फिर ख़राब हो गया। मतलब बोल्ट का प्रोडक्ट आप लोग को लेना ही नहीं चाहिए, मैं रिकमेंड करूँगा, कुछ पैसा अच्छा लगेगा। ये मैंने 1200 में मंगाया था गाइस, कुछ आपको कुछ पैसा ज़्यादा लगेगा, आप वन प्लस रिकमेंड के, मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट जब भी लेना कोई अच्छा कंपनी के लीजिए जो टिकाऊ हो, ये सब कंपनी एकदम बेकार होता है। बोल्ट भी काफ़ी अच्छा है इसका बनिस्बत, लेकिन ये बोल्ट जो है ना एकदम घटिया कंपनी है, आपको एकदम बेकार सर्विस मिलेगा और काफ़ी बेकार एक्सपीरियंस होने वाला है। बताइए साल में 3 बार सर्विस सेंटर जाएगा, ऊपर से भी डाउनग्रेड करके, देखते हैं चलते हैं सर्विस सेंटर क्या होता है, पता नहीं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इस बोल्ट का सर्विस सेंटर जाने के लिए मैंने पहली फुर्सत में बस पकड़ा और आ गया। ये वेलिंगटन है बस वाले, कुछ इसको वेलिंगटन जो मुँह में आता है बोल देते, लोटस भी बोल देते, ठीक है वेलिंगटन स्क्वायर। यहाँ आप अगर सियालदह के साइड चाहिएगा तो आपको इस तरफ उतारेगा, क्योंकि यहाँ वन वे है, तो सियालदह से आइएगा तो ये पेट्रोल पम्प देख लीजिए, यहाँ पर उतर रहे हैं, उतर करके यहाँ से हम लोग को जाना है हिंद सिनेमा के पास। बोल्ट का और भी एक है जिसका सर्विस सेंटर आपका हिंद सिनेमा के पास है, हिंद सिनेमा। तो हिंद सिनेमा आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, वेलिंगटन से उतरना और सीधा होते हुए देखिए यहाँ एकदम सीधा जाना है, सीधा देखिए यहाँ पर बाइक का पूरा पार्ट पुर्जा मिलता है आपको। अगर कोई भी बाइक का पार्ट पुर्जा का ज़रूरत होगा, एनी हाउ एनी थिंग एनी पार्ट, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, काफ़ी बड़ी मार्केट है बाइक की, मैं इसको अलग से वीडियो में कवर कर लूँगा वेलिंगटन को, ठीक है। तो ये वेलिंगटन स्क्वायर है, तो अभी खुला नहीं है तो काफ़ी सन्नाटा, वरना यहाँ काफ़ी भीड़ लगी रहती है। तो आपको मैं दिखाता हूँ एक्चुअल में जो एड्रेस है वो सुबुद मलिक स्क्वायर है, इस तरह कुछ करके है बोल्ट का सर्विस सेंटर का, ठीक। तो आने का बस से अगर आते तो यही एक रास्ता है, या तो आप सियालदह की तरफ से आइएगा तो वेलिंगटन उतरिएगा, और अगर हावड़ा की तरफ से आइएगा तब भी आप वेलिंगटन उतरिएगा, बट हावड़ा की तरफ से आइएगा तो पहले चांदनी पड़ेगा, चांदनी पार करके
फिर आपका आ जाएगा वेलिंगटन। देखिए गाइस, 2 मिनट का वॉक करके हम लोग दूसरे साइड पहुंच चुके हैं। वन वे में उतारा था बस, तो दूसरे साइड, अगर आप चांदनी से आइएगा तो आपको इस साइड उतारा जाएगा। ये देख लीजिए, हम लोग इस साइड से आए, पीछे साइड से पेट्रोल पंप से स्ट्रेट लेना है, ठीक है। और अभी भी एकदम सीधा जाना है, कहीं नहीं दायां बायां कहीं नहीं मुड़ना है, ठीक है। देख सकते हैं, और ये देखिए रोड पार कर लेते हैं हम लोग। तो गाइस रोड पार कर लिया हमने, हम लोग को फुट में जाना होगा क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा आराम पड़ेगा। खाली है, मैं रोड पार कर लेता हूँ। तो गाइस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस वेलिंगटन से उधर के सीधा आना है, सीधा। किसी से भी पूछ लीजिएगा हिंद सिनेमा कहाँ है। हिंद सिनेमा कोलकाता का वन ऑफ द फेमस सिनेमा है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। हिंद सिनेमा आइनॉक्स हिंद, ठीक है, हिंद सिनेमा बोलते हैं, आइनॉक्स हिंद बोलते हैं, बस इस तरह का नाम है। बस उसी के पास पहुंच गए, समझिए आप सर्विस सेंटर पहुंच गए। पहले सर्विस सेंटर का लोकेशन कुछ और था, पहले चांदनी चौक में था, बट अभी उसको उठा करके यहाँ चेंज कर दिया गया है। चलिए लेके चलते हैं। तो गाइस इस एरिया का नाम हुआ सुबुद, देखिए, ठीक है, सुबुद मलिक स्क्वायर, जहाँ पर आपका सर्विस सेंटर। मैं गूगल से इसका मैप का लिंक डाल दूंगा नीचे अपना डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर लीजिएगा और मेरा वीडियो देख करके आप आराम से पहुँच सकते हैं। तो गाइस आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस अब फाइनली हम लोग पहुँच गए दूसरे वाले मोड़ पर, इसको भी क्रॉस करना होगा, मतलब एक मोड़ नहीं, दो मोड़ को, मतलब दो क्रॉसिंग क्रॉस करने के बाद ये है फेमस आइनॉक्स हिंद, ठीक है। आपको यहाँ पर से एक क्रॉस और लगाना है, अभी देखिए रेड लाइट है तो क्रॉस नहीं करेंगे, तो क्रॉस लगा करके आप इधर से आइएगा सीधा आकर के, क्रॉस पार करके आप लोगों को दिखेगा इसको। अब हमको लगता है पार होने का टाइम आ गया, तो इस साइड से हम पार हो जाते हैं। आपको पार होना है, उसके बाद से राइट लेना है, कहाँ लेना है, राइट, राइट लेना है। देखिए ये सोनी का कुछ है, उसके बाद राइट लेने के बाद बस सीधा जाना है स्ट्रेट, जाते 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 ज़्यादा दूर नहीं है, 2 मिनट भी नहीं लगेगा गाइस। यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब समझ पहुँच गया। तो सामने बिल्डिंग दिख रही है, यही बिल्डिंग है, ये देखिए गाइस यही है। आप आ गए, देखिए यहाँ पर एक मंदिर है पास में, और ये छतरा समिति, और ये सुस्का ऑथोराइज सर्विस सेंटर लिखा है, बट यहीं पर आपको फर्स्ट फ्लोर में जाना है। तो गाइस ये रहा सर्विस सेंटर, ठीक है, टाइमिंग देख लीजिए आप। सो गाइस फाइनली मुझे लगा था कि फिर से लोगों का सर्विस सेंटर चेंज हो गया है, क्योंकि लोकेशन बदलता रहता है। लास्ट टाइम जब मैं आया तो मैं नहीं था, इस बार सब यूनिफॉर्म में नज़र आ रहे हैं। तो मैंने बात करा कि बैठिए, अभी बुलाते हैं आपको, मैं प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ जल्दी से, बैठता हूँ, देखते हैं क्या आप बोलते हैं। इस बार को लेकर के ये 3rd टाइम आ रहा विद इन वारंटी सर्विस सेंटर, 2 बार रिप्लेस हो चुका है। देखिए आप पॉट्स निकालिए तब भी, देखिए ना चार्ज ले रहा है पॉट्स, ना ही उसका पॉट्स निकालिएगा तब भी वो चार्जिंग का लाइट जलेगा। पॉट्स निकाल दीजिए दोनों, तब भी चार्जिंग का लाइट जलेगा ग्रीन वाला। और ये 1 साल में 3rd टाइम आ रहा है, 15 दिन करके रहता है, तो मतलब 12 महीने में तो 1.5-2 महीने सर्विस सेंटर में। बिल व्हाट्सएप में भेजे, और लास्ट टाइम भी एक आप लोग से गलती हुआ था, तो मैंने कहा था कि तो बोले कि नेक्स्ट टाइम आइएगा तो ठीक कर देंगे। वो तो क्या होता, मेरा एक्सपोर्ट्स प्रो था, और उन्होंने जब मुझे रिप्लेस करके दिया तो एक्सपोर्ट्स दिया मेरा, मैंने बिल सेंड किया था, मेरा 2 बार का यहाँ पर बिल होगा, ठीक है, मैं फिर से सेंड कर देता हूँ, नंबर आप बोल दीजिए। इन्होंने मेरा प्रोडक्ट ले लिया है, अब देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं प्रोडक्ट को, देखते हैं, बिल सेंड करने बोला, मैंने बिल सेंड कर दिया, वही सेम नंबर, देखते क्या होता है। तो गाइस मैंने सारा कुछ दे दिया है वहाँ जमा, तो मुझे बोला गया फिर से कि आप थोड़ा सा बैठिए, एक तो करेक्शन करेंगे उसके बाद फिर बुलाते हैं, देखिए अब क्या होता है, कितने दिन अभी दूसरा का फिर करने लगे, एक का करते करते दूसरा का करने लगे, और अब फिर मेरा वेट करा रहे, अब देखो करेक्शन करेंगे क्या करेंगे। पर गाइस आप ही लोग बताइए कमेंट में कि अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो 12 महीना में 2 महीना आपका सर्विस सेंटर मिलेगा तो आपको कैसा लगेगा। एड्रेस पे जाएगा तो पहले जब आपका एड्रेस पे गया था, वो एड्रेस पे जाएगा तो आपके पास मेल चला जाएगा,
और यहाँ पे आ जाएगा तो हम लोग कॉल कर देंगे आगे रिसीव कर देंगे। मतलब कितना टाइम लगेगा फिर भी? अप्रोक्सीमेट 15 डेज। सब ऐसे करके साल का 2 महीना ले रहे हैं, बताइए। आप लोगों का तो गलती नहीं, बट बोल्ट का ऐसा बना रहा है, पता नहीं साल में 2 महीना चला जाएगा, 12 में समझ रहे आप? 3 बार हमको सर्विस सेंटर आना पड़ा, 3 बार रिप्लेस हो, पन्ना करके 2 बार पर एक्सपीरियंस ख़राब हो जा रहा है। ये लेके जाए, ऐसा कोई काम नहीं है, और उस पर से भी एक बार डाउनग्रेड करके दे देता है, बताइए। तो गाइस देख सकते हैं मेरा फिर से पॉट जमा हो गया है। जमा होने के बाद क्या ही बोलूँ गाइस, क्या ही बोलूँ, इतना सा यहाँ पर आ करके, मतलब सबका होता है यहाँ पर सर्विस सेंटर है, बताऊँ आपको एकदम, मतलब ना दिल एकदम डिस्गस्टिंग बोलते हैं ना, बोल्ट का प्रोडक्ट डिस्गस्टिंग है, आप लोग बिल्कुल मत लीजिएगा, मैं रिकमेंड करूँगा। आप थोड़ा सा पैसा वैसी लगाइए, अच्छा लीजिए, ऑफर के चक्कर में मत जाइएगा। साल का 12 महीना में 2 महीना तो मेरा पॉट सर्विस सेंटर का चक्कर काटा, प्लस मुझे सर्विस सेंटर का चक्कर काटना पड़ा, ऊपर से एक बार तो मुझे डाउनग्रेड करके दे दिया, प्रो से नॉर्मल वर्जन दे दिया, और क्या ही बोलूँ यार। अभी भी फिर जमा लिया, फिर 15 दिन का बाद देखता हूँ, फिर अप्रैल में मेरा वारंटी खत्म, उसके बाद फिर ख़राब होगा तो मतलब ख़त्म, टाटा बाय बाय। सुबह आ करके मैं यहाँ रख के चला जाऊँगा, बोल दूँगा सर आप लोग कैसा प्रोडक्ट देते हैं कि तुरंत ख़राब हो जाता है। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप कोलकाता में कहीं पर भी आसपास में, तो आप यहाँ का सर्विस सेंटर विजिट कर सकते हैं। आपके पास बोल्ट का, बोट का, सिस्का का प्रोडक्ट है तो आप यहाँ सर्विस सेंटर ईजिली विजिट कर सकते हैं, आप लोग को यहाँ पर सर्विस आएगा, ठीक है, जीव्स योर सर्विस, ठीक है, किसी अथॉरिटी के अंदर में ये सब आता है, डायरेक्ट कोई ब्रांच और ब्रांडिंग ये पूरा कोलकाता में यहीं पर है। तो आज के वीडियो में मैंने 3 जगह कवर किया, समझ लीजिए, सर्विस सेंटर और हिंद आइनॉक्स आने का तरीका, और आपका क्या नाम है, वेलिंगटन मार्केट, जो बाइक का पार्ट्स, स्पेशली बाइक पार्ट्स के लिए वो मार्केट होता है, कभी सामान मिल जाएगा तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड। तो ठीक है गाइस, आज के वीडियो यहीं पर एंड करते, चलिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।